नमस्कार, मैं ओम प्रकाश आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा के इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इसका वैल्यू पुटिंग से तो आप जानते होंगे, क्वेश्चन को करना आसानी से कर भी लेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इसका बेसिक मेथड बताने वाला हूँ, क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चन के वैल्यू पुटिंग के साथ साथ उसका बेसिक पता होना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए और आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। वैसे मैं बता देता हूं कि वैल्यू पुटिंग से आप कैसे कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो का जो मेन फोकस है वो है आपको इसका बेसिक मेथड बताना। जैसे आप यहां पे देखें तो क्या है, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है और इक्वेशन एक है, तो आप यहाँ पे दो वेरिएबल को कुछ भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैं मान लिया कि बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो हमें वैल्यू फाइंड करना है उसमें नीचे जीरो ना बने, मतलब अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनना चाहिए। तो मैं जेड को अगर एक पुट कर दूं, वाई की जगह पे भी एक पुट कर दूं, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, -2, क्योंकि एक एक दो इधर आएगा तो -2। आप कुछ भी डाल सकते हैं वाई जेड की जगह पे, एक दो दो तीन, जो भी मन करे वो डाल ले। मैंने एक डाला ताकि कैलकुलेशन आसान हो। अब आप एक एक और एक्स के जगह पे -2, वाई की जगह पे एक और जेड की जगह पे एक यहां पे पुट कर दे, यहां से आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकल के आ जाएगा। यह तो हुआ इसे वैल्यू पुटिंग से करना, आप वैल्यू पुट करके यहां से निकाल सकते हैं। बाकी मैं इसे आपको बेसिक से बता देता हूँ। बेसिक क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपन वाई जेड, और हमें दिया क्या गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, और कुछ ऐसा वैल्यू फाइंड करना है। मैं ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे वाई से और नीचे भी वाई से कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर भी जेड से और नीचे भी जेड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई का क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड का क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। यहां से हो गया यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड, और दिया क्या गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है, 3xyz। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -xy -yz -zx। अब इसमें यदि आप एक्स वाई जेड की जगह पे जीरो डाल देते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे जीरो, तो यहां से क्या निकल के आ जाता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और -3xyz इधर आके 3xyz हो जाता है। तो वैसा ही यहां पे भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो दिया गया है, तो ऊपर वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3xyz, और नीचे क्या है xyz, xyz कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, 3। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।